हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीर की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है। इट इज़ अ वेरी इजी एंड टेस्टी रेसिपी। चलिए हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पतीला रख दिया है, उसमें मैं 1 लीटर दूध डाल दूँगी। ये मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, आप चाहे आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है कि पानी दूध में बॉयल आ जाए। तो आप इसे इसमें चावल ये मैंने धोकर इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो चावल को थोड़ी देर धोकर भिगो दीजिए और उसके बाद इसे इसमें डाल दीजिए। दूध में उबाल आने के बाद ही चावल को डालिएगा गाइस। देखिए अब हम इसे चला देंगे एक बार। देखिए पक के इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये चावल भी अब पक चुके हैं। देखिए अभी हमारे चावल भी पक चुके हैं अच्छे से, और ये जो इसमें मलाई आती रहे आप इसको इसमें साइड से हटाकर और मिलाते रहिए। देखिए आप इसका गैस फ्लेम लो ही रखिएगा, हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। देखिए इस तरह से आप इसे मिला दीजिए। अब ये रेडी हो चुकी है, अब हम इसकी कैरेमल बना लेते हैं। देखिए मैंने पैन रख दिया है, गैस फ्लेम ऑन कर दीजिए। इसमें अब डालेंगे हम 1 कटोरी मैंने चीनी ली है, इसको डाल देंगे और इसको आप लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएगी। और आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाइए। देखिए हमें इसको उसका डार्क कलर नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए, नहीं तो ये खीर कड़वी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें अब इसको डाल दिया है और इस टाइम पे इस कंसिस्टेंसी में हमें इसे रखना है सिर्फ। और इस टाइम हमें देखिएगा कि आप दूध आपका गर्म होना चाहिए, नहीं तो इसमें कैरेमल है ये जम जाएगा। इसलिए आप इसका दूध की देख लीजिएगा कि ये गर्म हो। देखिए मैंने इसको मिला दिया अच्छे से, मेरा दूध गर्म था तो ये अच्छे से इसमें मिल गया है और इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लग गया है। मैंने इसमें देखिए केसर का यूज़ नहीं किया है, ये कैरेमल से ही हो गया है इस तरह का। देखिए मैंने घी डाल दिया अब एक पैन में, और उसमें मैं अब ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। मैंने किशमिश ली है, काजू ले लिया और बादाम ले लिया। मैंने काजू और बादाम सेम क्वांटिटी में लिए हैं। पिस्ते ले लिए मैंने ये थोड़े। देखिए अब हम इसे टोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। मिला दीजिए इसको। देखिए ये हमने रोस्ट कर लिया है और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसके बाद हम इसे अपनी खीर में ऐड कर देंगे। मिला दीजिए आप इसे अब अच्छे से। ये देखिए मेरे पास ये मिट्टी की कटोरियाँ थी, तो मैंने इसे इसमें ही सर्व किया है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से गरम गरम खा लीजिए, नहीं तो आप इसे फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए और उसके बाद इसे खाइए। ये बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आप इसे मिट्टी के बर्तन में खाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए मैंने इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सर्व किया, आप भी इसे इस तरह से सर्व कीजिएगा। और आप इन कटोरी को यूज़ करने से पहले 1 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में भिगोकर रख दिया था, उसके बाद मैंने इसमें ये अपनी बनाई हुई खीर सर्व की थी।
अगर आपके पास ये मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप इसे इसी तरह से सिंपल कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने सर्व कर दिए। अब हम इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें पिस्ते और काजू डाले हैं, थोड़े से बादाम भी डाल देंगे। देखिए रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।